अबे फटीचर की औलाद, डिंपल तेरी गर्लफ्रेंड है तो तू कुछ भी करेगा क्या? तुझे और तेरे फटीचर दोस्तों को कॉलेज के सबसे आलीशान क्लब हाउस में घुसने किसने दिया? चल निकल यहाँ से। लकी यार चलते हैं यहाँ से, कि राहुल का बाप कॉलेज का ट्रस्टी और शहर का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन है, इससे हम लड़ाई नहीं मोल ले सकते। राहुल कॉलेज का सबसे अमीर और पॉपुलर लड़का था और वही लकी बहुत गरीब। लकी को अपनी किस्मत और मेहनत से शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। इस कॉलेज में ज्यादातर अमीर बच्चे पढ़ते थे और वो सब लकी से नफरत करते थे। राहुल लेकिन लकी से इसलिए नफरत करता था क्योंकि कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की डिंपल ने लकी को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। इस वजह से राहुल लकी को नीचा दिखाने से कभी नहीं चूकता था, लेकिन लकी आज कुछ अलग ही मूड में था। लकी ने अपने दोस्त की बात को अनसुना कर दिया। अबे ओ राहुल, तू क्या मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा? तू तो खुद अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहा है। राहुल ये सुनकर आग बबूला हो गया और उसने लकी और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया। दोनों में मारपीट होने लगी। लकी ने गुस्से में राहुल का सर दीवार में दे मारा। राहुल वहीं ढेर हो गया और उसके सर से खून बहने लगा। कि ये क्या कर दिया तूने लकी, अब इसके बाप से हमें कौन बचाएगा? तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। लकी के दोस्तों ने उसका साथ छोड़ने से साफ मना कर दिया, लेकिन लकी ने किसी तरह उनको वहाँ से भेजा। राहुल को उसके दोस्त हॉस्पिटल ले गए। लकी वापस अपने हॉस्टल जाके बैठा ही था कि तभी डिंपल आई और उसने लकी के मुंह पर जोर का तमाचा चढ़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राहुल को हाथ भी लगाने की? मैंने तुमको छोड़ने का फैसला तो बहुत पहले कर लिया था, पर आज तुम्हें बता ही देती हूँ, मुझे तो जैसे फटीचर के साथ अपनी जिंदगी नहीं बितानी लकी, और अब से मैं राहुल की गर्लफ्रेंड हूँ। इतना देखकर डिंपल वहाँ से चली गई। लकी की जान सूख गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि डिंपल उसके साथ ऐसा कर सकती है। लकी सदमे से लड़ ही रहा था कि लकी के हॉस्टल के बाहर कई सारे गुंडों से भरी गाड़ियाँ आके रुक गई। सबसे लग्जूरियस गाड़ी में से राहुल का बाप निकला और उसने ऐलान किया, लकी नाम का लड़का अगर खुद मेरे पैरों में लेटकर मेरे जूते चूमकर माफी मांग लेगा तो मैं उसे जान से नहीं मारूंगा, सिर्फ उसकी हड्डी पसली एक करूंगा। उसके पास फैसला करने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। लकी हॉस्टल के बाहर आया और सीधा राहुल के डैड के पास गया। राहुल के डैड लकी को देखकर मुस्कुराने लगे और अपना जूता आगे कर दिया, लेकिन आगे जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लकी ने आव देखा ना ताव और राहुल के डैड को एक घूंसा जड़ दिया। सारे गुंडों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन सबने लकी पर हमला कर दिया। वो सब लकी को पीटने ही वाले थे कि कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। लकी ने कुछ ऐसा किया कि सारे गुंडे थर थर कांपने लगे। आखिर क्या किया था लकी ने कि डर गए थे सारे गुंडे। गरीब और फटीचर होके भी क्यों बिना डरे शहर के सबसे अमीर परिवार से भिड़ गया था लकी। अब क्या होगा आगे, पूरी कहानी जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुने इंस्टा मिलियनेयर। पैसा, प्यार और नफरत से भरपूर एक शानदार ऑडियो सीरीज।